आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लगता होगा? आपको GSTN लगती होगी, आपको ईमेल आईडी लगता होगा, फोन नंबर लगता होगा, पैन कार्ड लगता होगा, और क्या लगता होगा? और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगता होगा जहाँ आपकी आपकी वेयरहाउसिंग होगी। सो अगर आपको लगता है ये सारी चीज़ें से आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो जी हाँ, करेक्ट, स्टार्ट कर सकते हैं। बट इसके सारे भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कैटेगरी सेलेक्शंस क्या हो सकती है, प्रोडक्ट सेलेक्शंस क्या हो सकती है, पैकेजिंग सेलेक्शंस क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ों पे भी आपको जीरो इन करके तब आप जाके एक ऑनलाइन सेलर बनते हैं। तो ना ही सिर्फ आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं, बट साथ ही साथ और भी चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है, कैटेगरी जैसे मैंने बताया, फिर लिस्टिंग कैसे हो सकती है, इमेजिंग कैसे हो, ये सारे चीज़ एक पार्ट एंड पार्सल है कि आप एक सेलर कैसे बन सकते हैं। सो इस वीडियो में हम यही लेके आए हैं कि आप देखेंगे कि सेलर्स इस चीज़ पर कैसे जीरो इन करते हैं, जो ऑनलाइन ऑलरेडी ऑनलाइन सेलर्स हैं वो कैसे किसी कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं, वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, अपने इन्वेंट्री को सेलेक्ट करते हैं, अपने पैकेजिंग को कैसे डिज़ाइन करते हैं, रिटर्न्स को कैसे मैनेज करते हैं, ये सब इनपुट्स उनसे लेते हैं ताकि आपको भी आइडिया लगे कि आपको भी ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। सो जी हाँ दोस्तों, मैं रवि रंजन आपका बिग फैशन यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करते हैं। और दोस्तों, हम एक और आज ब्रेव सेलर सीरीज़ लेके आए हैं जो कि हम आपके लिए लाए हैं स्पेशली। आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंशन करें, और आइए इस वीडियो को देखते हैं। सो नमस्कार व्यूअर्स, मैं रवि रंजन आपको ब्रेव सेलर सीरीज के साथ फिर से स्वागत करता हूं। हम यहां पे एक और एपिसोड के साथ आए हैं, और यहां पे हम राज सर के साथ आए हैं जो कि इनका स्टोर नेम है RJ बुक्स, और इनकी ऑनलाइन एक्सपीरियंस हम लोग लेके आएंगे और देखते हैं कि इनके पास आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, और डेफिनेटली इनके बातों से, इनका एक्सपीरियंस से आपको कितनी मदद मिल सकती है। सो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और तो चलिए शुरू करते हैं, सर से बात करते हैं, और इस वीडियो में प्लीज बने रहिए। सर, सबसे पहले थैंक यू बिग फैक्शन से जुड़ने के लिए, एंड आपने अपना कीमती समय निकाला उसके लिए फिर से थैंक यू सर। तो सर, इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है सर कि आपने ऑनलाइन जर्नी सर अपना कब स्टार्ट किया, और कैसे आइडिया लगा कि चलो ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करते हैं सर? एक्चुअली जब अमेजोन फ्लिपकार्ट आया था मार्केट में, तो हम लोग बहुत कम लोग जानते थे कि अमेजोन पे सेल भी किया जा सकता है कुछ प्रोडक्ट जी। तो जैसे जैसे हम कुछ प्रोडक्ट मंगाए तो उसमें लिखा हुआ था कि सोल्ड बाय, तो हम समझने लगे कि इस पे बेचा भी जा सकता है। हम भी धीरे धीरे अपना रजिस्ट्रेशन किए हैं, और वे अमेजोन के जो रूल रेगुलेशन को फॉलो किए हैं, और रजिस्टर करके बेचना स्टार्ट कर दिए। तो पहले एक दो इन्वेंट्री में हमने ट्राई किए कि सेल है या नहीं है, फिर अमेजोन ने अच्छा सेल देने स्टार्ट कर दिया, तो हम भी और प्रोडक्ट को लाए। इसी तरह से बिजनेस हमारा एक के बाद प्रोडक्ट को लाते गए और सेल करते गए। ठीक है सर, तो एक बार व्यूअर्स के लिए उनकी जानकारी के बता दीजिए सर कि आपकी कैटेगरी का सर कौन सी, आप किस कैटेगरी पे सर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं? ऐसे तो मैं अमेजोन पे बुक भी करता हूँ, और जो हमारा अपने भी वेबसाइट है वो हम अपने वेबसाइट पे भी डील करते हैं, जो बुक है, इलेक्ट्रॉनिक और भी कई कैटेगरी है। अमेजोन ने, हाँ अमेजोन ने सिखाया कि वेबसाइट भी बनाया जा सकता है ई कॉमर्स का, तो इसी वजह से हमने भी सेटअप किया कि हम भी अपना वेबसाइट बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो सर इसी पे बुक्स कैटेगरी में बात करूंगा, क्योंकि बुक्स के सेलर्स भी काफी यूनिक रहते हैं, इनको लॉन्चिंग के लिए GST की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सिर्फ पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है ऑनलाइन अगर आपको सेल करना है। तो जैसे कि सर आपने बुक्स कैटेगरी को डिफाइन किया सर, आपके पास क्योंकि बुक्स में हमको पता है कि लाखों के तादाद में बुक्स रहते हैं, पब्लिश होती हैं, हर एक टॉपिक पे बुक्स की कमी नहीं है, तो सर इन्वेंट्री साइज एक बनाना या इन्वेंट्री को बनाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होगा इतने सारे प्रोडक्ट्स में से निकाल के। तो आपने एक सर कैसा अपना इन्वेंट्री को फाइनलाइज किया कि ये सब ऑनलाइन बेचते हैं, जैसा आपने बताया कि एक एक प्रोडक्ट्स ऐड करके, बट फिर भी जब आपने स्टार्ट किया सर तो कुछ तो प्रोडक्ट्स से स्टार्ट किया होगा, तो वो प्रोडक्ट्स कैसे चूज किया आपने? एक्चुअली मैं शुरू से ही, बचपन से ही मैं रहा हूँ पब्लिकेशन लाइन में, मुझे बेहतर एक्सपीरियंस रहा है पब्लिकेशन लाइन में कि आज ये प्रोडक्ट जा रहा है, आज वो प्रोडक्ट जा रहा है पार्टियों का चाहे डीलरों को, हम उसमें से ही फाइंड आउट करते थे कि अगर ये जा रहा है तो इसका मतलब ये ऑनलाइन में भी ज्यादा ग्रोथ है मिलेगा, हमने उस प्रोडक्ट को ही चुना है जो मतलब ज्यादा ग्रोथ दे सकते हैं हमें और अमेज़न को भी। जी जी जी, ओके ओके। तो सर यहाँ पे जब इन्वेंट्री की बात आई कि आपने ये कैटेगरी और इन्वेंट्री पे आई, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जानना चाहेंगे सर आपकी तरफ से, जब आप अपना ऑनलाइन जाना चाहे तो आपको किस तरह का प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लगा, जो आपको लगा कि ये शायद नया है या थोड़ी सी परेशानी हुई आपको उसको सॉल्व करने के लिए? एक्चुअली पहले तो बिल्कुल ईजी था अमेज़न पे,
काम करना, लिस्टिंग करना। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी ये हो गया कि वो हर एक प्रोडक्ट का पहले इनवॉइस मांग रहा है। जी जी, पहले बिल्कुल इजी था कि आंख बंद करके भी आप लिस्टिंग कर देते, वो हर प्रोडक्ट का अब वो इनवॉइस मांग रहा है, थोड़ा जी लेसन मांग रहा है, अब थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, डिफिकल्ट हो गया है काम करना अमेजोन पे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर अगर ये एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग ही मांग ले और वो सारे मांग के सेटल हो जाए, फिर मुझे कभी ना मांगे, तो हम भी आसान है कि हम एक बार दे दिए हैं तो बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। ऐसे क्या बिजनेस बिल्कुल, ऐसे बिजनेस बहुत रुका हुआ है हमारा, जो है बिजनेस काफी मंदा हो गया है कि वो एक नया प्रोडक्ट हम ला रहे हैं, पब्लिशर ने नया प्रोडक्ट दिया, हम परचेज करके ही ला रहे हैं, वो पहले एक क्वांटिटी का नहीं 10 क्वांटिटी का रिसीव था, 200 क्वांटिटी का इनवॉइस मांग रहा है, तो 200 इन्वेंट्री उठा के लाना अपने वेयर हाउस में, अगर अगर इंडिया में अगर लाखों किताबें लाखों पब्लिशर है तो सारे हम उठा के अगर लाने लगे तो हम तो वेयर हाउस भी भर जाएगा। बिल्कुल सर, अमेजोन को ये करना चाहिए कि आप पहले लिस्टिंग कीजिए, बेचिए, जितना हम सेल किया हम उसका बिल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि जितना आपने सेलिंग किया, जितना मान लीजिए हम 100 क्वांटिटी सेल किए तो हम आपको 100 कम से कम देंगे, 120 130 उससे ज्यादा ही बढ़ के देंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट उसके ज्यादा ही देंगे। बिल्कुल, अब परेशान ये है कि विदाउट लिस्टिंग के हुआ प्रोडक्ट बेच नहीं सकते अमेजोन पे। बिल्कुल, तो लिस्टिंग होना भी जरूरी है, और लिस्टिंग होने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स अमेजोन ने जरूरी कर दिया। बिल्कुल, तो सर इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि आपको ये सारी परेशानी हुई, धीरे धीरे करके हम लोग सॉल्व अमेजोन में तब कर भी रहा है, बट स्टिल कोई कोई चीज में फंस जाते हैं। तो एक और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा सेलर्स के पास आते हैं जो कि रिटर्न्स का होता है सर, कि बुक्स जब रिटर्न्स आती हैं तो गलत बुक आ जाती है रिटर्न, या कस्टमर ने जानबूझ के दूसरा बुक डाल के भेज दिया होता है, बुक ही नहीं रहता, कुछ और प्रोडक्ट रहता है या फाड़ा हुआ रहता है, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा सर? मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अमेजोन को और आपकी टीम को भी बताना चाहता हूँ कि जो बुक का जो है, पर कोई भी बुक हो या कोई भी कैटेगरी हो, तो जो उसके एम्प्लॉय रहते हैं, जो पिकअप बॉय रहते हैं, तो उनसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि पैकेट फाड़ लेते हैं कस्टमर को या कुछ गलत गया है। जरूरी नहीं है कि कस्टमर ही चोर है। करेक्ट सर, बिल्कुल, इकोसिस्टम तो बहुत बड़ा है। हाँ, जरूरी नहीं कि कस्टमर चोर है, पिकअप बॉय भी चोर हो सकता है, कुछ सेलर भी हेरा फेरी कर देते हैं कि भाई मेरे पास ऑटो स्टॉक हो गया, ऑर्डर आ गया तो हम पैकेट देना जरूरी है, तो जरूरी नहीं है, मतलब सिस्टम समझना चाहिए। तो भगवान ऑनलाइन के सर, ऐसे भी कस्टमर्स भगवान होते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कस्टमर्स तक पहुंचने से पहले, उसके हाथ में पहुंचने से पहले वो बुक बहुत सारे हाथों से होके आती है, बहुत हाथों के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब वो मिसअंडरस्टैंडिंग है अमेज़न के, जो अमेज़न का क्या है, कोई भी पहले चेक कर लेता कि इस पैकेट में है क्या। बिल्कुल 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 करेक्ट सर। तो ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, आई होप कि बाकी सब सेलर्स के लिए भी होगा अगर आप फेस कर रहे हैं, आई एम श्योर। तो अब जैसे कि बुक्स है सर, कभी कभी कुछ होता है बुक्स छोटे होते हैं बट मोटे होते हैं, तो हैवी हो जाते हैं सर, 500 ग्राम से ऊपर, 1 kg से ऊपर, उसकी पैकेजिंग सर कैसे करते हैं, और वेट हैंडलिंग में आपको क्या प्रॉब्लम आती है अगर कुछ ऐसे है तो? एक्चुअली पैकेजिंग हम मोटे गत्ते से करते हैं, पेपर है हमारे पास, कार्टून भी हमने बनवा रखे हैं अमेजोन के नाम का। जी जी, उसमें ही पैकिंग करते हैं, लेकिन वहां से जो कस्टमर रिटर्न करता है वो एक मामूली सी प्लास्टिक में रिटर्न आता है, व्हाइट पिन्नी में। ओके, तो उसमें डैमेज होके आता प्रोडक्ट। बिल्कुल, अगर पन्नी फट गई, कुछ लिक्विड चला गया। एक्चुअली जो कस्टमर रिटर्न करता है तो आप हम उसको सेल कर नहीं सकते हो प्रोडक्ट को। बिल्कुल, वो डैमेज, हाँ वो डैमेज हो गया प्रोडक्ट, तो वो सेलर को लॉस है। बिल्कुल, ना को ना कि अमेजोन को, अमेजोन को एक तरफ से रेंट देना पड़ता है कुरियर का, जब कस्टमर रिटर्न कर रहा तो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो ये तो आपने बहुत सही बात बोला कि सर जब क्योंकि पैकेजिंग आप सही भेजते हैं बट कस्टमर रिटर्न्स में पैकेजिंग तो वो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा हम करके भेजते हैं, तो उसमें हैंडलिंग की वजह से प्रोडक्ट खराब हो जाता है। तो सर ये कितने केसेस में हो सकता है, मतलब कि अगर 100 रिटर्न्स हैं तो उसमें कितने रिटर्न्स में ये हो सकता है कि ये फेसेस? देखिए सर, अगर आप 500 पैकेट डेली दे रहे हैं अमेजोन को जी, तो 50% तो नहीं, लेकिन 100 में से 50 पैकेट आपका रिटर्न आएगा, उसमें कस्टमर भी रिटर्न रहेगा, नॉन डिलीवरी भी रहेगा, कुछ फ्रॉड पैकेट भी रहेंगे। जी जी सर, वीडियो की शुरुआत में आप बताए थे कि अमेजोन पे आपका है और वेबसाइट में मल्टीपल है, बट ये जानना चाहिए सर अमेजोन के अलावा और कोई वेबसाइट, मतलब कि कोई पोर्टल पे है, फ्लिपकार्ट है,
अमेजोन का इमीडिएट कॉम्प्यूटर सॉरी फ्लिपकार्ट है, फिर नया जो बनाया मीशो है, तो इस पे सर आपने बिजनेस नहीं स्टार्ट किया? नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने सब पे ट्राई किया है। ओके ओके, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, रिपिनो डॉट इन, मीशो, स्नैपडील, पेटीएम, मैंने सब पे ट्राई किया है, लेकिन बेहतर है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, रिपिनो। एक्चुअली मीशो में क्या था कि उसमें फ्रॉड ऑर्डर काफी ज्यादा आते हैं। करेक्ट, ये तो ब्रेव सेलर में और भी सेलर्स लोग ने बताया है। हाँ, फ्रॉड ऑर्डर ज्यादा आता है, उसका रिटर्न इतना हाईएस्ट है कि आप वो नहीं कर सकते, रख नहीं सकते हो। जी जी जी, पहले कुछ समय पहले था फ्लिपकार्ट का भी यही कंडीशन था कि उसका भी रिटर्न बिल्कुल गंदा था, एक एक महीने बाद रिटर्न आता था, अब उसने रिटर्न पे कंट्रोल कर लिया है। ओके ओके, तो सर जैसे कि आपके पास इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो बहुत सारे न्यू सेलर्स, मान लीजिए कोई बिजनेस ज्वाइन ही नहीं किया, अब वो इतना सुना कि अच्छा ऐसा है वैसा है, तो हो सकता है कि उनको नेगेटिव अप्रोच लग रहा हो, बट शायद ये तो हम लोग क्योंकि नेगेटिव बात की, बट अगर बिजनेस परस्पेक्टिव में बात करें, ऑनलाइन बिजनेस परस्पेक्टिव में बात करें, तो आपको पता है, मुझे पता है कि ऑनलाइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक हम एक पक्का धंधा या पक्का बिजनेस बना सकते हैं, राइट सर? अगर आप एग्री करते हो मेरे बात पे, तो सर इस पे कुछ प्लीज बताइए। ये तो नेगेटिव बात की, बट ये नेगेटिव एक स्मॉल परसेंटेज है ओवरऑल पॉजिटिव सिनेरियो का। एक्चुअली क्या है ना सर, पहले होता प्रोडक्ट कि आपका प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है जी। कस्टमर को चाहिए अच्छा भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए। अगर आपका अगर कोई कंपटीटर है तो आपको ऑर्डर प्लेस करने का मौका ही नहीं देगा, क्योंकि वो ऑर्डर सारा लेना चाहेगा, ले जाएगा। अगर एक आप थोड़ा सा डिफरेंट ब्रांड लेके आए हैं, जैसे बुक है तो बुक में है कि जैसे मैथमेटिक्स है वो हर पब्लिशर प्रिंटिंग करता है, बिल्कुल अलग अलग रहता है, लेकिन चलना है सबका। सबके साथ यही है कि मोबाइल डाटा केबल सबका भी है, जो भी एनी प्रोडक्ट है वो सबका डिफरेंट रहना चाहिए, ब्रांडेड रहना चाहिए और थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे सर यही कहना चाह रहा व्यूअर्स, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता दूं कि सर यही बोल रहे हैं कि भाई आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन से फर्क मत रखिए, आप क्वालिटी अपना सर्विस रखिए, क्वालिटी प्रोडक्ट सेल कीजिए, तो आपका बिजनेस कहीं से भी नहीं डाउन हो सकता अगर आप क्वालिटी बेस्ड आप बिजनेस कर रहे हैं। ये बिजनेस मंत्र बहुत पहले से है, तो आप व्यूअर्स ये ध्यान रखें, बिजनेस करने जा रहे हैं अमेजोन पे, तो फ्रॉड या चीप क्वालिटी इस पे सेटल मत होइए, आप ऑलवेज गो फॉर दी हाई क्वालिटी, बिकॉज आपको इनिशियली शायद आपको प्रॉब्लम होगा बिजनेस को आप करने में, बट अगर क्वालिटी से बिजनेस ऊपर बढ़ा दिए, उसके बाद आपके पास सिर्फ लॉयल कस्टमर्स रहेंगे जो आपके पास पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ है आपके साथ, राइट सर? तो सर अब वेबसाइट पे आते हैं, आपने बताया कि आपकी वेबसाइट भी है, तो सर वेबसाइट का नाम बताइए ताकि हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको मेंशन भी कर सके, और वेबसाइट्स का ट्रैफिक कैसा है सर, कैटेगरी उसमें कौन कौन सी है? हालांकि मैंने अपनी वेबसाइट 2016 में बनवाया था बिजनेस को और बेहतर से समझने के लिए और काम किस तरह करता है। मेरा वेबसाइट है repno.in, जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह ही काम करता है। जी जी जी, उसमें कैटेगरी भी है, बहुत सारी कैटेगरी है, जो अमेजोन से कैटेगरी वही कैटेगरी है। हमारे पास इंडिया में टोटल 50 के अराउंड सेलर भी हैं हमारे वेबसाइट पे। जी 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 सर, कोरियर डिपार्टमेंट वाले कोरियर को हैंडल करते हैं, वो ऑटोमेटिक सीओडी भी लेते हैं और पेमेंट ऑटोमेटिक बैंक से एनएफटी होता है। अगर सेलर्स का नहीं है, को सेलर्स का अगर डाउट है कि वेबसाइट से कर रहे हैं, तो कोरियर पार्टनर किससे टाई अप किया? अच्छा पॉइंट अपने निकाल, लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स पे कैसे हो सकता है? कोई भी एग्जांपल बता सके कि आप ऐसे करके वैसे कर सकते हैं, लॉजिस्टिक पार्टनर अपने सेट कर सकते हैं? वो बहुत सारे सेलर्स बोलते हैं कि सर वेबसाइट तो कर देंगे, ऑर्डर आया तो फिर मेरे को लेके इंडिया पोस्ट जाना होगा, ये करना होगा, सर उसमें बहुत लॉस होता है, मैं प्रोडक्ट ट्रैक नहीं कर पाता। हमारे में दो ऑप्शन है, एक है सेल्फ शिपमेंट, एक है जो रिपनो द्वारा किया जाएगा कोरियर सिलेक्शन। बिल्कुल, हम बेस्ट बेस्ट रेटिंग वाले कोरियर सिलेक्शन करते हैं, तो सेलर के पास से पिकअप उठाए और डिलीवरी कर दे जहां उसका एड्रेस है। ओके सर, वेबसाइट का आइडिया आपके पास कैसे आया? मतलब वेबसाइट बहुत सारे सेलर्स से मैं इंटरव्यू लिया हूं, तो किसी के पास है बट मोस्टली नहीं है, वो प्लान कर रहे हैं, बट आपके पास वेबसाइट का सर आइडिया कैसे आया कि वेबसाइट शुरू करते हैं, इससे बिजनेस को अच्छा ही होगा? एक्चुअली जब कुछ करने के लिए सोचते हैं ना सर, तो दिमाग में वो एक
वो होता है, किरापन होता है, बिल्कुल कुछ बिल्कुल, करना बिल्कुल. है तो करना है एकदम एकदम एकदम. तो मैं जॉब करते ही मैंने अपनी वेबसाइट को बनवा लिया था, मार्केट को मैं गम चुका था बुक की मार्केटिंग में, क्योंकि मैं शुरू से बुक की मार्केटिंग में था. जी जी, मैंने बुक ही परचेज करके लगाया तो रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिल रहा था, अमेजोन से बिल्कुल अच्छा मिल रहा था. जी सर, मैंने धीरे धीरे इसको बढ़ाने के लिए सोचा. अच्छा, वो आज आज ठीक है, अमेजोन से ज्यादा ऑर्डर आते हैं हमारी वेबसाइट पे, हम अमेजोन से भी खुश हैं और अपनी वेबसाइट से भी खुश हैं. ओके, तो जैसे कि आपने बताया अमेजोन से भी खुश हैं, वेबसाइट से भी खुश हैं, आपने काम अमेजोन पे भी किया है, फ्लिपकार्ट पे भी किया है, मीशो पे भी किया है, आप इन तीनों में ऑपरेशन वाइज सेल्स वाइज आपको सबसे अच्छा पोर्टल आपके लिए आपको कौन सा लगा कि यार इस पोर्टल बहुत मजा आता है या मेरे को समझ में आता सारी चीजें इसलिए ये पोर्टल मेरे लिए अच्छा है? मैं बताना चाह रहा हूँ कि अमेजोन में है जो एक कस्टमर अगर रिटर्न कर रहा है तो वो हमारे पास रॉन्ग आता है, लेकिन हमारी अपनी वेबसाइट में मैंने ये एक चीज नोट किया है कि कस्टमर ने मेरे को आज तक रॉन्ग पैकेट एक भी नहीं दिया है कस्टमर रिटर्न में. करेक्ट, नॉट थर्ड पार्टी के लिए. हाँ, सबसे बेहतर मेरे लिए ये अच्छे लग रहा है कि हमें आज तक कस्टमर ने रॉन्ग पैकेट नहीं दिया है, जो आया करेक्ट आया, जो आया करेक्ट आया, बिल्कुल सही आया है और डैमेज नहीं आया है. बिल्कुल, अगर कस्टमर भी रिटर्न करता है तो वहां से भी वो उसी पैकेजिंग में देता है जो हमारा जो पैकेजिंग है. लेकिन यहाँ नेगेटिव पॉइंट ये है कि अमेजोन तो एक मामूली सी प्लास्टिक में ही आता है, वहां डैमेज होना, वहां डैमेज होने का बिल्कुल बिल्कुल. सर हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद. एक क्वेश्चन और बस उससे हम एंड करेंगे आपसे कि आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया सर, अभी आप जो अपना बिजनेस अमेज़न से चल रहा है, वेबसाइट से चल रहा है, फ्यूचर में कैसे देखते हैं कि सर ये ऑनलाइन बिजनेस आपका ओवरऑल बिजनेस का या आपका फ्यूचर का या सैलरी जहां पे हम लोग पैसा कमाते हैं उसका कितना परसेंटेज ऑनलाइन होने वाला है? पूरा आप सोच रहे हैं कि पूरा बिजनेस ही मैं ऑनलाइन करूंगा या कुछ पार्ट रखूंगा? कैसे देखते हैं सर ऑनलाइन इंडस्ट्री को अपने फ्यूचर के लिए? सर मैं बताना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन में आने वाला कल में है, ऑनलाइन से विश्वास उठ जाएगा लोगों का. okay. वो क्यों उठ जाएगा? क्योंकि मतलब नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि उनके पास गलत प्रोडक्ट जा रहे हैं. बिजनेस कस्टमर उसी से डील करेगा के पास क्वालिटी वाली जाएगी प्रोडक्ट, गलत पैकेट नहीं जाएगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. और अमेज़न भी उसको प्रमोट नहीं करता है. हाँ. तो बिल्कुल. और अगर अमेज़न को लगता है कि नेगेटिव फीडबैक आया, उस नेगेटिव फीडबैक में ये कहा जा रहा है कि रॉन्ग प्रोडक्ट आ गया, उस नेगेटिव फीडबैक कुछ और भी कहा जा रहा है, तो ऑब्वियसली उस सेलर को पिनलाइज भी करता है, उस सेलर के प्रोडक्ट को फिर प्रमोट करना भी बंद कर देता है, वो दूसरे सेलर को प्रमोट करेगा बिकॉज उससे उसको फायदा है. तो सर थैंक यू अगेन कि आपने अपना इतना अच्छा खासा इनपुट्स दिए, आप अपना वेबसाइट का भी इंपॉर्टेंस बताया, अमेज़न भी इंपॉर्टेंस बताया, बुक्स के बारे में बताया सारी चीजें. होप कि जो सेलर्स है, बहुत सारे जो सेलर्स जो ऑनलाइन आना चाहते हैं स्पेशल बुक्स कैटेगरी, उनके लिए विद बिल्कुल मददगार रहेगी. सो थैंक यू वंस अगेन सर जुड़ने के लिए. उम्मीद करता हूँ आपसे फिर से मुलाकात होगी, इस कन्वर्सेशन को हम लोग आपसे आगे ले जाएंगे और वो और फ्रूटफुल रहेगी सर. सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू. बट अगर आपको कोई भी आपके क्वेरीज या डाउट्स अगर हमारे इस विषय में नहीं कवर हुई, हमारे इंटरव्यू नहीं कवर हुई है, तो उसे प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें. और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल बिग फैक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए जिससे बिग फैक्शन की आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए. बिग फैक्शन से बने रहने के लिए धन्यवाद. थैंक यू.